फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किन किन प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करता है। तो पहले, सबसे पहले कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखने के लिए आप मेरे पुरानी वीडियोज को देख सकते हो, या हम यहाँ पे हम कहें कि ये कोई मैट्रिक्स है तो उसका हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालने के लिए सिंपली जहाँ पर भी इमेजिनरी पार्ट है उस इमेजिनरी पार्ट को अगर प्लस साइन है तो हम माइनस साइन कर देते हैं, और माइनस साइन है तो प्लस साइन, यानी जो आयोटा है उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आ जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, लेट ए बार एंड बी बार बी द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए एंड बी। फ्रेंड्स, ए बार और बी बार जो है वो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए है, मैट्रिक्स ए और बी, यानी ए और बी के कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। तो उस कंडीशन में ए बार बराबर ए होगा, और सेकंड है हमारे पास ए प्लस बी बार, सॉरी ए बार का बार, यहाँ पे जो है ये आएगा ए बार का भी बार जो है वो एक इक्वल होगा, ए बार नहीं होगा एक इक्वल, ए बार का भी बार जो होगा वो एक इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी बार जो है, यानी ए प्लस बी का जो कॉन्जुगेट है उसको हम ए कॉन्जुगेट प्लस पी बी कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। और सेक थर्ड है हमारे पास के ए बार, यानी के ए जो है, के को स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, और उस बी ए का कॉन्जुगेट, ए का के और ए का जो मैट्रिक्स, दोनों मल्टीप्लाई से जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालना चाहें तो उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। पहले के का हम कॉन्जुगेट लिख दें, यानी के जो है उसका हम कॉन्जुगेट, यानी ए प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर दें, उसके बाद ए बार का जो, ए का जो कॉन्जुगेट है उसमें मल्टीप्लाई करें तो भी सेम आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए बी बार, यानी ए बी जो दो प्रोडक्ट प्रोडक्ट है ए बी का, उनका कॉन्जुगेट अगर देखना चाहे तो ए कॉन्जुगेट डॉट बी कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर कॉन्फर्मेबल टू मल्टीप्लीकेशन, यानी ए और बी जो है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होना चाहिए। अगर ए और बी का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन नहीं है तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ए एन का वार, यानी ए का हम एन टाइम मल्टीप्लाई करें उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालें, या हम कर सकते हैं ए का हम पहले कॉन्जुगेट निकाल लें उसका, उसके बाद उसका एन का एन बार मल्टीप्लाई कर दें, दोनों बार सेम ही मैट्रिक्स आएगा। और अगर हमारे पास ए कॉन्जुगेट बराबर ए है, यानी ए कॉन्जुगेट बराबर ए है, तो उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स होगा वो ए इज जो होगा वो प्योरली रियल मैट्रिक्स होगा, यानी कोई रियल मैट्रिक्स होगा। अगर हम ये कहें कोई रियल मैट्रिक्स है तो उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी वही मैट्रिक्स होगा, यानी ए मैट्रिक्स का, ए अगर कोई रियल मैट्रिक्स है उसमें सारी एंट्रीज रियल हैं तो उस कंडीशन में वही मैट्रिक्स उसका कॉन्जुगेट होगा। और अगर ए जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, यानी ए बार बराबर अगर माइनस ए आ रहा है देन उस कंडीशन में ए जो है वो प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स होगा, या हम कहें कि ए जो एक ऐसा मैट्रिक्स है उसमें सारी एंट्रीज जो हैं वो इमेजिनरी हैं, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स जो है वो प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स होगा, तो अगर नहीं भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एंट्री हम जीरो की बात करें, सपोज कि a11 0 है, तो उस कंडीशन में हमारे पास इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो भी जीरो ही होगा, तो ये टर्म जो है 0 + 0 i इक्वल टू 0 - 0 i होता है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो ए का कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस ए हो तो ए जो है वो प्योरली इमेजिनरी होगा, अगर अगर उसमें कोई जीरो एंट्री नहीं है, रियल जो एंट्री जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर जीरो एंट्री है तो ये हमारे पास कंडीशन फॉलो नहीं करेगा।